नमस्कार एंड वेलकम। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल या घंटी को जरूर प्रेस करें। वन डे वन लेसन, यानी हर दिन कुछ एक नया सीखना है, तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आजकल हर चीज स्मार्ट बनते जा रहा है। स्मार्ट MCC, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट रिले के सीरीज में हमने सीमेंस का सीमो कोड के बारे में बताया। आज आपको हम बताएंगे L&T का MCOM रिले के बारे में। चलिए सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। डिस्प्ले आप सामने देख लिया, अंदर में नीचे जो है वो मेन प्रोसेसर है, उसके जस्ट ऊपर में ये CT मॉड्यूल है। इसमें से जो CT का वायर जो है, देखिए इसके अंदर से गया है 3 तार, और आउटपुट में ये वायर, ये वाला केबल जो है ये CT मॉड्यूल से निकल के मेन प्रोसेसर में जा रहा है। ये देखिए, ये वाला CT मॉड्यूल से आया हुआ कम्युनिकेशन केबल। चलिए स्पेयर प्रोसेसर यूनिट में कनेक्शन कैसे होता है उसको समझते हैं। ये जो मेन मॉड्यूल है वो हम अलग से इसको निकाल के रखे आपको दिखाने के लिए। तो CT मॉड्यूल यहाँ पे कनेक्ट होगा, यहाँ PT कनेक्ट करेंगे, उसके बाद में कम्युनिकेशन का हो गया। ऊपर में इसका ऑक्सिलरी सप्लाई जो है यहाँ पे लगेगा, ये दिया हुआ है। उसके अलावा इसमें मेन जो ट्रबल शूटिंग के लिए प्रॉब्लम जब आता है तो ये इनपुट है, 6 इनपुट पॉइंट दिया हुआ है। IP 1 2 3 4 5 6 ये कॉमन है, तो 6 इनपुट इसमें दे सकते हैं। और इसमें आउटपुट जो है 4 है, कॉमन NONC, कॉमन NONC, कॉमन NONC, 4 आउटपुट हम जहाँ कनेक्ट करेंगे सर्किट के हिसाब से ये है। तो ये मेन प्रोसेसर है L&T MCOM रिले का, और ये 3 इंडिकेशन लैंप है, नीचे रिसेट बटन दिया हुआ है। ये कंपोनेंट्स हो गया, तो चलिए इसमें देखते हैं। ये देखिए, ये है CT कनेक्शन, उसके बाजू में PT कनेक्शन, ये कंट्रोल सप्लाई, और ये इनपुट आउटपुट। तो आज हमने MCOM रिले का कनेक्शंस और कंपोनेंट्स के बारे में जान लिया। अगर इसका प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं या फिर इसमें फॉल्ट कैसे देखते हैं, डिस्प्ले में कैसे इनपुट्स डालते हैं, वो सारे चीज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं इसका पूरा सेटिंग या फॉल्ट फाइंडिंग या फिर इसका डिस्प्ले को कैसे देखते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, पूरा वीडियो बना के दूंगा। आप कितना पढ़ाई किया ये ज़रूरी नहीं है। आपके अंदर अगर ललक और लगन है इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का, पूरी पढ़ाई मेरे वीडियो से आप सीख सकते हैं। तो पूरी पढ़ाई करने के लिए जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके, और देखते रहिए मेरा एक एक वीडियो लेसन बाय लेसन। मेरे चैनल में जाकर शुरू से एक एक वीडियो को देखिए और सीखिए इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन का पूरा काम।